अस्सलाम वालेकुम एवरी वन, वेलकम टू दी न्यू कंस्ट्रक्शन व्लॉग। तो गाइज आज छुट्टी के बाद ये हमारा पहला वर्किंग डे सैटरडे का दिन है। वैसे तो आज बहुत कम लेबर है हमारी, तकरीबन 3-4 को शटरिंग वाले होंगे और एक मज़दूर है जिससे हम ये मतलब कि जो छत पे हमारी क्यारियाँ वगैरह बनी हुई थी इसकी रेती हम इकट्ठी करवाएंगे। इकट्ठी करवाने के बाद इसको छनवा कर एक जगह स्टोर कर देंगे ताकि हमारी पैराफिट वाल की जो चुनाई होगी उसमें ये काम आ जाए। हमारी ये पूरी रेती और तकरीबन ये पूरे एक डंपर है, 450 क्यूबिक फीट वाला ये पूरे एक डंपर है। तो ये रेती हमें वैसे इस्तेमाल करनी है। आज ये देखें आप जो है ना, हमारी छत भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ड्राई हो गई है। तो आज से इंशाल्लाह नीचे की शटरिंग भी ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि खुलना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही शटरिंग रिमूव होती है मैं आपको उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि किस तरीके से शटरिंग खुलती है और क्या कंडीशन है हमारी छत की। वैसे तो उम्मीद है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी छत आई होगी क्योंकि बीम माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त आया है। और दूसरी बात कि रॉडिंग भी हमारी बहुत ज़्यादा हुई है और वाइब्रेटर भी हमने इस्तेमाल किया है कि भराई पे मैं आपको वाइब्रेटर भी दिखाया था कि वाइब्रेटर क्या होता है, इसका मकसद क्या होता है इस्तेमाल करने का। तो गाइस ये देखें माशाल्लाह से साइडें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। बस जैसी जैसी छत खुलेगी वैसे वैसे जो ना आगे की तरफ छत लगती रहेगी। तो ये देखिए ये साइडें भी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कंप्लीट है। तो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और दूसरी बात, जो मेरे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पुराने हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली कंस्ट्रक्शन की वीडियो जो है ना वो आप तक पहुँच सके। ये एक लर्निंग चैनल है आप लोगों के लिए, इसमें आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। तो कोशिश किया करें कि मेरी वीडियो एंड तक देखें और एक पार्ट भी स्किप ना किया करें। अभी मेरी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि अभी आगे अब जो जो काम होते जाएगा आज के दिन में मैं आप लोगों को उस काम की पूरी डिटेल बताऊँगा, डिटेल दूँगा और बताऊँगा भी कि आज हमारा क्या क्या काम हुआ है। ठीक है, तो